नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। तो चलिए आज आपको बताते हैं दिल्ली की कहानी। वैसे तो दिल्ली का इतिहास महाभारत काल से शुरू होता है। पुराने किले के पास इंद्रप्रस्थ नाम का गांव था। माना जाता है कि पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ वहीं थी। इंद्रप्रस्थ की नींव पर ही मुगल शासक हुमायूं ने पुराना किला बनवाया। नीली छतरी और निगमबोध इलाके में भी इंद्रप्रस्थ से जुड़े साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन यदि हम बात करें ऐतिहासिक दस्तावेजों की, तो दिल्ली के बारे में पहला जिक्र 737 ईस्वी में मिलता है। तब से लेकर अंग्रेजों के अधिकार तक दिल्ली मुख्य रूप से 7 बार उजड़ा और बसाया गया। 7 बार आबाद होने के दौरान अलग अलग शासकों ने यहाँ पर 7 बार शहर बसाए। इसी दौरान विदेशी आक्रमणकारी तैमूर लंग, नादिर शाह और अंग्रेजों ने यहाँ पर भीषण नरसंहार मचाए। आइए इन 7 शहरों के जरिए आपको बताते हैं कि दिल्ली के बार बार बसने और उजड़ने की कहानी। तो बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला शहर लालकोट, जिसे तोमर राजा ने बसाया। दस्तावेजी इतिहास में दिल्ली के बारे में पहला जिक्र 737 ईस्वी में मिलता है। तब राजा अनंगपाल तोमर ने इंद्रप्रस्थ से 10 मील दक्षिण में अनंगपुर बसाया। यहाँ दिल्ली का गांव था। कुछ बरस बाद उस पर राजा ने लालकोट नगरी बसाई, लेकिन दिल्ली का गांव का नाम चलता रहा। कहा जाता है कि हुमायूं ने बाद में इसी नींव पर पुराना किला बनवाया। 1180 में चौहान राजा पृथ्वीराज तृतीय ने किला राय पिथौरा बनवाया। किले के अंदर ही कस्बा बसता था। दीवारें 6 मीटर तक चौड़ी और 18 मीटर तक ऊंची थी, लेकिन मोहम्मद गोरी ने उन्हें हरा दिया और भारत में तुर्कों की एंट्री हो गई। चलिए अब जानते हैं दूसरा शहर महरौली के बारे में, जिसे कुतुबुद्दीन ने बसाया। मोहम्मद गोरी के बेटे शहाबुद्दीन ने गद्दी संभालने के बाद अपने भरोसेमंद सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को कमान सौंप दिया। ऐबक ने 1206 ईस्वी में दिल्ली से तख्त शुरू किया। उसने कुतुब महरौली बसाई। यह दिल्ली का दूसरा शहर था। 4 साल बाद ऐबक की घोड़े से गिरकर मौत हो गई। ऐबक का दामाद इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बन गया। बाद में उसकी बेटी रजिया सुल्तान दिल्ली की शासक बनी। अब आपको बताते हैं तीसरा शहर सीरी, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने बसाया। रजिया सुल्तान के बाद कुतुब की सल्तनत खत्म हो गई। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा। उसने सोना लुटाते हुए दिल्ली में प्रवेश किया। मंगोल शासकों ने जब हमला किया, तब खिलजी ने उसके सैनिकों के सिर कलम कर दीवारों में चुनवा दिए। इस वजह से उसके किले का नाम सीरी पड़ा। खिलजी ने रेवेन्यू सिस्टम बनाया। फौज और बाजारों पर उसका ध्यान था। अस्पताल भी बनवाए। इन कामों में लगे लोग सीरी फोर्ट के अंदर ही रहते थे। किले के अंदर ही पूरे शहर के लिए इंतजाम था। यह दिल्ली का तीसरा शहर था। अब आपको बताते हैं दिल्ली का चौथा शहर, जिसे गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया। खिलजी कमजोर हुए तो 1320 ईस्वी में तुगलक दिल्ली में आ गए। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद किले और गयासपुर के आसपास शहर बसाया। यह चौथा शहर था। यह दौर तुगलक से ज्यादा मशहूर सूफी निजामुद्दीन औलिया और उनके शागिर्द अमीर खुसरो की वजह से जाना गया। औलिया तो महबूब ए इलाही कहलाए। वहीं खुसरो ब्रज भाषा को अरबी फारसी में पिरोकर हिंदवी जुबान को रंगते रहे। उन्होंने बंद से लिखी, राग गढ़े, सितार और तबले जैसे साज बनाए, दिलचस्प पहेलियों वाले सुखन लिखे, कव्वाली भी शुरू कराई। औलिया ने तुगलक वंश के 7 और खुसरो ने 5 सुल्तानों को देखा। अब आपको बताते हैं पांचवा शहर फिरोज शाह कोटला, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने बसाया। गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान बना। वह राजधानी को कुछ दिन दौलताबाद ले जाने के बाद दिल्ली लौटाया। उसके बाद उसके चाचा सुल्तान फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा। फिरोज शाह तुगलक ने यमुना के किनारे कोटला बसाया। यहाँ 18 गांव थे, 10 हमाम, 150 कुएं थे। उसने 30 महल बनवाए, कुतुब मीनार को दुरुस्त कराया, 5 नहरें बनवाई। 1388 में उसका निधन हो गया। तैमूर ने दिल्ली को 3 दिन 3 रात तक लूटा। तैमूर लंग ने 1398 में दिल्ली पर हमला किया। 3 दिन 3 रात तक लूटपाट हुई। फिरोज शाह के शानदार शहर को खंडहर बना दिया गया। हजारों लोगों के सिर कलम कर दिए गए, लेकिन तैमूर ज्यादा वक्त टिक नहीं पाया। लोदियों ने उन्हें खदेड़ दिया। बहलोल और सिकंदर के बाद इब्राहिम लोदी ने दिल्ली को बसाया और खूबसूरत बनाया, लेकिन शहर फिरोज शाह के आसपास का ही रहा।
छठा शहर दीनपनाह जिसे हुमायूं ने बसाया। इब्राहिम लोदी को मुगलों के संस्थापक बाबर ने हरा दिया। लोदी जंग में मारा गया। बाबर आगे बढ़ गया लेकिन मुगलों के लोग वहां जमे रहे। बाबर ने आगरा को राजधानी बनाया लेकिन उसकी मौत के बाद हुमायूं दिल्ली आ गया। पुराने किले के आसपास के शहर को हुमायूं ने दीनपनाह नाम दिया। 1539 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को जंग में खदेड़ दिया और दीनपनाह को शेरगढ़ बना दिया। बंगाल से पेशावर तक सड़क उसी ने बनवाई जो बाद में ग्रैंड ट्रंक रोड कहलाई। रुपया भी सूरी ने ही चलाया था। सातवां शहर शाहजहानाबाद जिसे शाहजहां ने बसाया। शेरशाह सूरी की 1545 में मौत हो गई। 1555 में हुमायूं फिर दिल्ली आया। शेरगढ़ को फिर दीनपनाह बना दिया। 7 महीने बाद उसकी मौत हो गई। हुमायूं के बेटे अकबर ने राजधानी आगरा में बनाई। जहांगीर और शाहजहां के समय भी आगरा ही मुगलों की राजधानी रही लेकिन शाहजहां ने बाद में दिल्ली का रुख किया और यमुना के किनारे शाहजहानाबाद की नींव रखी। यह दिल्ली का सातवां शहर था। उसी ने 1638 में लाल किला बनवाया। 46 लाख रुपये में अपना तख्त ए ताउस बनाया। जामा मस्जिद बनवाई। चांदनी चौक बसाया और मीना बाजार बनवाया। 1739 में दिल्ली में हुआ कत्लेआम। मुगल शासक मोहम्मद शाह के वक्त ईरान से आए नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला कर दिया। वह तख्त ए ताउस भी अपने साथ ले गया। उसकी मचाई मारकाट में दिल्ली के 30,000 लोग मारे गए। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री हुई। अंग्रेजों ने भी लूटी दिल्ली। कमजोर हुए बहादुर शाह जफर। अंग्रेज मजबूत होते गए और दिल्ली के मुगल शासक सिमटते गए। 1803 में दिल्ली भी अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गई। 1857 की क्रांति में आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही नेता घोषित किया गया। उन्होंने लेकिन जफर को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके 2 बेटों का कत्ल कर दिया गया। दिल्ली में अंग्रेजों ने कत्लेआम किया बिल्कुल नादिर शाह की तरह। बहादुर शाह जफर को अंग्रेज रंगून ले गए। मौत के बाद उन्हें वहीं दफना दिया। 1911 में कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई राजधानी। यह दिल्ली के बसने का आखिरी दौर था जो 1911 से शुरू हुआ और नई दिल्ली कहलाया। इसके लिए दिल्ली दरबार बुराड़ी में सजाया गया। राजाओं को न्योता दिया गया। हजारों लोगों के ठहरने और खाने पीने के चंद दिनों के इंतजाम बुराड़ी में अस्थायी शहर बनाया गया। दिल्ली रोशनी से जगमगा उठी। जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की सवारी चांदनी चौक से गुजरी। दिल्ली दरबार में आकर जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को राजधानी बनाने का ऐलान कर दिया। सभी राजाओं को चौंका दिया। इसके बाद एडविन लुटियंस ने शानदार इमारतें बनवाई। इनमें वायसराय हाउस यानी राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट शामिल है। इसे 29,000 मजदूरों ने बनाया। शाही इमारतों के लिए धौलपुर, भरतपुर और आगरा से पत्थर मंगवाए गए। पत्थर ढोने के लिए अलग रेल लाइन बनवाई गई। हर्बर्ट वेकर ने संसद भवन बनवाया। तो ये थी दिल्ली के बसने की कहानी। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।